बिरयानी बनाने का एकदम यूनिक तरीका, इस तरह से बिरयानी बनाते हुए कभी किसी ने किसी को नहीं देखा होगा। हो रही है चिकन बिरयानी की तैयारी और लगभग लगभग तैयार हो चुका है बिरयानी। तो गाइज जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी मैं इधर भट्टे पे हूँ और अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो शादिया बार बार फोन कर रही है क्योंकि आज गाइज ये मेरी खाला है। तो गाइज ये मेरी छोटी बहन खाली क्या। हेलो गाइज, आज मेरा बर्थडे है, मैं केक काटूंगा और सब में बांटूंगा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में वेलकम है। तो गाइज मैं आप लोग को बता देती हूँ कि सुबह के 11 बजने वाले हैं, लेकिन धूप नहीं निकल रही है और ऐसा लग रहा है कि धूप नहीं निकलेगी। निकलेगी भी तो 12 बजे के बाद या 1 बजे तक धूप निकलेगी, लेकिन उतनी ठंडी नहीं है जैसे कि जो ठंड हवा चलती है वो नहीं है। मौसम में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख से पहले ठंडी कम नहीं होने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी से तो बेहतर है ये ठंडी। तो गाइज मैं बता देती हूँ कि आज एक स्पेशल डे है। तो आज है अहान का बर्थडे, बब्बू जी का बर्थडे, जिससे आप लोग मिल चुके हैं मेरे हर वीडियो में। वो थोड़ा सा ज़रूर रहता है, गाइज गाइज बोलता रहता है। तो आज उसका बर्थडे है, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, आप लोग वीडियो में बने रहें उसका बर्थडे देखने के लिए, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और वो खुद चाहता है कि आप लोग उसके बर्थडे में शामिल हों। तो गाइज वीडियो को स्किप ना करें, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं छत पे आई हूँ। आप लोग तो जानते हैं मैं छत पे आके वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ, नीचे का थोड़ा बहुत ले भी लेती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग मेरा यहीं से होता है, छत से। तो अभी मैं अपने छत के दूसरे साइड पे खड़ी हूँ, जिधर से मोहल्ला स्टार्ट होता है आप लोग देख सकते हैं। इधर से पठान टोली में जाने वाला रास्ता है और इधर से हमारा मोहल्ला स्टार्ट होता है। तो अभी मैं इस साइड हूँ, और लेकिन मैं अक्सर वीडियो उस साइड से बनाती हूँ और मैं अभी इधर खड़ी हूँ। तो गाइज प्लीज़ 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 वीडियो को स्किप ना करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें। चलिए नीचे चलते हैं। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, ये खुला है। अभी मैं अपने घर के पीछे आई हुई हूँ, और मेरी लाडो को चाहिए ये नकली वाला नींबू। और ये कब से नकली वाला नींबू मांग रही है, आ ले लो, चल खुद से तोड़ेगी अब अमरूद। तोड़ लो तोड़ लो तोड़ लो, अमरूद नहीं सॉरी नींबू। तोड़ो तोड़ लो तोड़ लो भाई। अजल ने दो दो नींबू तोड़ लिया है, और अब ये नींबू का टाइम आ गया है पीला होने का। ये अजीब सा नींबू जो है ये पीला हो जाएगा। प्यार करो, अब प्यार करो मम्मा से, नींबू मिला है ना, प्यार करो प्यार करो, और जी प्यार करो। ओले 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 ओले, ये हमारा नींबू वाला है। तो गाइस ये हमारा पाला हुआ कुत्ता उधर है, ये पाला हुआ नहीं है वहाँ। तो गाइस ये मेरी बहन छोटी बहन है, और ये सब गाड़ी जगह। तो गाइस ये मेरी खाला है। तो गाइस ये मेरी छोटी बहन खाली क्या। हेलो गाइस, आज मेरा बर्थडे है, मैं केक काटूंगा और सब में बांटूंगा। आप सबको आना है, आप सबको आना है, आप लोगों को भी। आप लोगों को भी बोल रहा है बच्चा कि आना है। तो गाइस आज इनका बर्थडे है, और शाम को इनका केक कटेगा और सब में बटेगा, आप लोग भी आना ना बाबू। ठीक चलो बाय बोल दो, बाय बाय। तो गाइस जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी मैं इधर भट्टे पे हूँ और अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो शादिया बार बार फ़ोन कर रही है क्योंकि आज घर पे एक छोटा सा बच्चा जो है गाइस गाइस बोलता रहता है, उसका बर्थडे है बाबू का। तो उसके लिए कुछ सामान लेना है, मार्केट जाना है। तो शादिया बार बार फ़ोन कर रही है कि फटाक से यहाँ से मैं चला जाऊँ, मतलब घर पर चला जाऊँ। तो अभी थोड़ा कुछ काम बचा हुआ था, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं अभी भट्टे पर हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ से कुछ काम निपटा के फिर उसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा मार्केट में कुछ सामान लेना है, छोटा सा गिफ्ट लेंगे हम लोग बाबू के लिए, फिर उसके बाद
बर्थडे में मिलते हैं। तो गाइज अभी मैं घर पे आ गया हूँ जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, और मैं अभी नहा धुला नहीं हूँ, सुबह से काम पे लगा था। और ये नाराज हो गई, इनका चेहरा आप देख सकते हैं, चेहरा उतरा हुआ है क्योंकि काफी लेट हो गए आने में। अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है उधर देख सकते हैं ऊपर, 5:30 हो रहे हैं, तो इनका चेहरा उतरा हुआ है। तो चलिए इनको मनाते हैं, फिर उसके बाद मार्केट चलते हैं, बाबू के लिए कुछ छोटा सा सामान लेते हैं। चलिए चलते हैं। चलिए केक काटते हैं। चलिए केक काटते हैं। बाबूजी राजा मामू खिया था, राजा मामू खिया भाई का हैप्पी बर्थडे कर रहा है, भाई हो चुका है, सब लोग केक खा लिए, भाई का हैप्पी बर्थडे केक खा चुके हैं, तो भाई का हैप्पी बर्थडे कर रहा, आप लोगों को खा ले लीजिए बापू जी आपका गिफ्ट ले ले भाई भी दे रहा उतना खाई तो गाइस बर्थडे बीत गया जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो अभी पार्टी की तैयारी हो रही है, चिकन बिरयानी की पार्टी की। तो हम लोग बहुत ही बड़ी पार्टी नहीं करते हैं क्योंकि हर महीने किसी न किसी का बर्थडे हो जाता है, किसी किसी महीने में, जैसे कि इस महीने में माहिन का भी बर्थडे है और बबू का भी, और अक्टूबर में दो लोग का बर्थडे है, मेरे भाई की लड़की का, मेरे अहजल का। तो इस वजह से हम लोग बहुत ही हाई फाई बर्थडे नहीं करते हैं, तो छोटे में ही कर लेते हैं क्योंकि सबका बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ता है, क्योंकि किसी एक का नहीं करेंगे तो बच्चे का दिल दुखेगा ना, तो सभी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, लेकिन बहुत ही छोटे में। ये देखिए बेबी मेरी चिल्ला रही है, यहीं से बैठी रहती, चिल्लाती रहती, हम लोग यहीं से वीडियो शूट करते हैं। और ये सारा सामान बिखरा रहता है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामान बिखरा रहे चाहे कुछ रहे। ये काफी छोटा रूम है अभी। इस तरह से बिरयानी बनाते हुए कभी किसी ने किसी को नहीं देखा होगा। हो रही है चिकन बिरयानी की तैयारी और लगभग लगभग तैयार हो चुका है बिरयानी।